इंडस्ट्री स्कीम को लेकर जहां सरकार का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि जो लोग अपने बिल नहीं जमा करवा सकते या जिनकी अमाउंट ज्यादा है उन लोगों के लिए एक राहत बड़ी जो है ये स्कीम कारगर साबित हुई, लेकिन ऐसे में हम मेंडर सब डिविजन की बात करें तो मेंडर सब डिविजन का मतलब कि मैं अगर अंदाजन कहूँ तो करोड़ों रुपया जो है वो डिपार्टमेंट को रिकवर करना है, लेकिन इस चीज़ को अवेयरनेस को लेकर लगातार डिपार्टमेंट जो है सोशल मीडिया हो या अवेयरनेस के माध्यम से या इनकी जितनी भी टीम से चाहे वो लाइन मैन हो कोई भी पीडीडी का कर्मचारी हो वो लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाने में दिन रात जो है वो प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसे में मतलब कि लोग अभी भी जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, उन स्कीम्स का लाभ नहीं ले रहे हैं, और अब उस स्कीम को लेकर जो लोग अगर उसके तहत भी पैसा गवर्नमेंट के जो है वो खाते में नहीं जमा करवाते तो उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ पीडीडी के एई नदीम खान साहब हैं, तो इन्हीं से जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्या अभी तक क्या रिस्पॉन्ड है और क्या कुछ जो लोग अगर अभी भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा रहे या लोग वो नहीं आ रहे अभी भी मतलब कि नहीं वो मतलब कि इस चीज़ के सामने आ रहे तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी। नदीम साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, एमनेस्टी स्कीम जो है काफ़ी कारगर, जो हमने कई रिपोर्ट्स देखी हैं, आपसे एक दो बार पहले भी हमने बात की है कि ये लोगों के हित में यानी उनके फेवर में है, तो फिर भी मैंने देखा कि रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी कम आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है शायद लोग सोच रहे होंगे कि कोई पूछेगा नहीं, तो मैं सीधा मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग अगर चाह के भी नहीं आ रहे तो ऐसे लोगों पर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा पहले वो बताएं। राहुल जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप शाना जब भी आपको बुलाते हैं तो आप आ जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमनेस्टी स्कीम क्या होती है। एमनेस्टी स्कीम है ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, अदर दिस स्कीम जो है इंटरेस्ट जो है अब तो 31 मार्च 2022 तक इंटरेस्ट पूरा वेव ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद और वो जो इंटरेस्ट वेव ऑफ के वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है कंज्यूमर ने वो पे करनी है, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी गवर्नमेंट ने इतनी राहत की है कि 12 इंस्टॉलमेंट में अगर पे कर सकता है, अगर कोई एट अ टाइम दे सकता है तो वो भी दे, ऑफिस में विजिट करे वो उस मैनुअल बिल उसको बना के दे वो भी दे सकता है। और आपने दूसरा सवाल आपने कहा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन करेगी, जो तो मैं इसके बताता चलूँगा, गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, ऊपर हमारे डिपार्टमेंट से भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, एनी कंज्यूमर जो नहीं डिफॉल्टर है स्ट्रिक्टली उसके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 के अंडर उसके साथ करवाई गई, उसकी डिस्कनेक्शन उसकी पावर डिस्कनेक्शन उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी इम्पोज की जाए और लीगल कार्रवाई उसके खिलाफ FIR की जाए। ये गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, आने वाले दिनों में देखते हैं अगर फिर भी अगर इतना राहत होने के बावजूद अगर जो डिफॉल्टर हैं वो अगर नहीं इसका लाभ उठाते या नहीं हमारा जमा कराते हैं बिल तो हम उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेंगे, वो डिपार्टमेंट की सख्त इंस्ट्रक्शन है, वो तो हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 हमने उसका लेना है, ये हमें सिक्स इंस्ट्रक्शन है। नदीम साहब, एक चीज़ और देखने को मिली है कि जब से ये स्कीम अनाउंस हुई है क्या कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ भी है, मतलब लोगों से जिन लोगों ने बिल जमा किया ऐसी भी तादाद है आपके पास? हाँ, जैसे कि हाँ आपने पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था उसके अच्छे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि राहुल साहब एक बड़ा अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट करते हो, हमें बड़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका इंटरव्यू में मेंटर तकरीबन हर एक कोने में आपको लोग देखते हैं, इसीलिए हम आपको भी बुलाते हैं कि हम आप आएँ, आपको व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। उसके आपने कहा कि कितना फ़ायदा हुआ, पिछली बार भी हमारा मेंटर के मेंटर की बात करूँ हमारा 29 लाख रुपया जमा हुआ इसमें, अभी भी लाइबिलिटी बहुत है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ रुपये लाइबिलिटी है। और फिर उसके मैं आपके चैनल से फिर अब लोगों को अपील करता हूँ, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई है, आप आए हमारे पास यहाँ से बिल लें, अगर कोई आप पहले अपने कॉन्टैक्ट मिड रीडर से करें कंसर्न, अगर वो अगर कहीं आगे पीछे बिल हो जाता है वो भी हो सकता है कहीं आपको बिल टाइम पर नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें, मैं आपको ऑनलाइन वहाँ यहीं से फ़ोन पे बिल बना के आपको ऑनलाइन वहाँ से भेज सकता हूँ, आप वहाँ से भी जमा करवा सकते हैं। और मोबाइल से बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं कि बैंकों में अगर आप मेरे पास यहाँ है मैं आपको फ्री के बताऊँगा कैसे ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, MPA से भर सकते हैं, बिल्स वाले से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड वो भी आप घर बैठ के भी बिल पे कर सकते हैं। तो नदीम साहब, मैं एक चीज़ और जानूंगा कि ये तो हो गया मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना या लोगों को अवेयर करना,
क्या आपकी ग्राउंड पे भी टीमें सब अवेयर हैं, मतलब लाइक जो भी लाइन मैन है या कोई भी मतलब कि आपका एम्प्लॉई है? हमारे यहाँ फोन नंबर जो इजली एक्सेसिबल है, हमारे हमने अपने स्टाफ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है स्ट्रिक्टली कि लोगों के घर घर जाएं और लोगों को अवेयर करें एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाए। ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और कॉमन आदमी को बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं आपको सुबह बताता हूँ, सुबह एक बंदा मेरे पास आया था, उसका बिल था 1,00,000 रुपये, 1,00,000 से उसको 65,000 माफ हुआ है और बाकी उसका 35 है वो भी इंस्टॉलमेंट में पे कर, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं बताओ अगर 1,00,000 से 65,000 वो बहुत बड़ा रिलीफ है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक रिलीफ है लोगों को और लोग आए। मैं आपके चैनल से फिर लोगों को अपील करता हूँ, ऑफिस में आए और या फिर अपने कंटेक्ट जो हमारे मीटर रीडर से कंटेक्ट करें, बिजली वाले किसी से भी कंटेक्ट करें और इसका लाभ उठाएं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जितने जो अपना रिमोट एरियाज हैं या जितने भी अपना मतलब कि विलेजर्स है, मतलब विलेजेस हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ लाइट पहुँची हुई है, वहाँ को छोड़ के अगर हम सिटी टोन की बात करें, क्या टोन के अंदर भी काफ़ी डिफाल्टर लोग हैं? हाँ, काफ़ी हमारे पास हैं डिफाल्टर हर एरिया में है। इस वक्त मेरे पास पार्टी को लिस्ट नहीं है, हम लिस्ट भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास डिफाल्टर कौन एमनेस्टी का स्कीम नहीं बेनिफिट नहीं उठा रहा, उसके बाद हमें लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उनको नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजेंगे अगर नोटिस का वो रिप्लाई फिर भी वो अगर वो नहीं जमा करते हैं तो फिर हमने उसके खिलाफ लीगल एक्शन अकॉर्ड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एक्स्ट्रा इम्पोज एडिशनल फाइन भी डालेंगे अगर कोई नहीं फाइन जमा करता बिल। इसके बाद जो भी इतनी बड़ी रिलीफ होने के बाद गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सगात है ये अब तक के मतलब इतिहास में, अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मतलब जब तक एमनेस्टी स्कीम पहले भी आई थी लेकिन पहले लेकिन इस बार जो आई है इसमें ज्यादा रिलीफ है, इसमें उससे भी पहले से भी बहुत रिलीफ है और 12 इंस्टेंट मतलब कंज्यूमर के बिल्कुल हित में बिल बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ। और ये मैं आपसे फिर बताता चाहूँ, ये जो एमनेस्टी स्कीम है सिर्फ है डोमेस्टिक कंज्यूमर के, कमर्शियल का नहीं है, मतलब जो लोग चक्की आटा वेल्डिंग को इंडस्ट्री वर्क करते हैं उनके लिए, उनके सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ नदीम खान साहब थे जो कि AEPDD मेंबर है, जिनके साथ बिल्कुल डिटेल में बात की गई एमनेस्टी स्कीम को लेकर। तो मेरी भी जनरल पब्लिक से ये अपील है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ये आपके इंटरेस्ट की स्कीम है, गवर्नमेंट ने जैसे नदीम साहब ने बताया कि एक हमारे पास सुबह एक बंदा आया जिसका 1,00,000 रुपये बिल था तो 65,000 रुपये उसका माफ हो गया, तो पीछे रहा क्या? तो ये आपके हित में स्कीम है। और इन्होंने एक बिल्कुल साफ तौर पर जो हमारा सीधा सवाल आज इंटरव्यू करने का ये था कि जो लोग डिफॉल्टर यानी जिन लोगों के बिल्स यहाँ पर PDD में नहीं जमा करवा रहे हैं या वो नहीं दे रहे हैं बिल, तो इसके बाद उन पर क्या गाज गिरेगी, तो वो भी इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक सिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसके बाद आपको पता ही है कि जब एक बार जब ये चीज़ लागू हो जाती है, किसी पे एक्शन लेना होता है, तो आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ये एक अवेयरनेस इंटरव्यू था जो आप तक एक मैसेज पहुंचाना था कि अभी भी काफ़ी लोग हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि करोड़ों रुपए का अभी अमाउंट जो है वो यहाँ पर लोग डिफॉल्टर हैं जिन्होंने देना है, और कुछ 1,00,000 रुपया ही अभी डिपार्टमेंट के खाते में आया है। लेकिन आप लोग इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें, क्योंकि अगर जब आप पे एक्शन हो गया तो उसके बाद इस स्कीम का आप लोग फायदा नहीं ले पाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ पर आएँ, यदि आपको कुछ क्वेरीज करनी है तो इनके नंबर्स हैं, नदीम साहब का नंबर है या और भी डिपार्टमेंटल आपके पास में लाइन मैन है, मीटर रीडर हैं, तमाम जो PDD के एम्प्लाइज हैं वो सब लोग जो है आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए हैं। आप अगर मेंडर मार्केट में आते हैं तो इनका यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ के क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती है। तो इसलिए इस एमनेस्टी स्कीम का जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें, ये हमारी एक कोशिश थी कि आप मेंडर की तमाम आवाम जो है वो सबको ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आप इस स्कीम का फ़ायदा लें। अगर आप सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि साफ तौर पर डिपार्टमेंट कह रहा है कि जब आज से पहले भी एमनेस्टी स्कीम आई थी लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये आपके फेवर में लिया गया है। मेरे और सहयोगी नाजिम को दीजिए इजाजत, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो के माध्यम से हर किसी को ये मैसेज मिल सके।